सोलन में HFCL उद्योग के पूर्व कर्मचारियों ने श्रम अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर श्रम अधिकारी और इंस्पेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों ने रोष प्रकट किया और श्रम अधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि अधिकारी द्वारा उनके अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और कानून ताक पर रखकर उन्हें उद्योग से भी बिना नोटिस के निकाल दिया गया है, जिस पर जिला प्रशासन और अधिकारी खामोश हैं। कर्मचारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे पिछले 2 दशकों से उद्योग में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जब उनके यूनियन के पदाधिकारियों को बगैर वजह उद्योग से निकाला गया तो सभी कर्मचारियों ने उनका विरोध करना चाहा, तो 100 कर्मचारियों को बिना नोटिस के उद्योग से निकाल दिया गया, जिसके कारण करीबन 100 कर्मचारी एक ही दिन में सड़क पर आ गए। अब उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। विधवा महिला कर्मचारी ने बताया कि उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि वे आज श्रम अधिकारी का घेराव करने आए थे, लेकिन उन्हें जैसे ही इस बात का पता चला वे यहां से चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम अधिकारी कर्मचारियों के हितों को अनदेखा कर रहा है और उन्हें संदेह है कि वे उद्योग प्रबंधन के साथ मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ 100 कर्मचारियों को बिना नोटिस के निकाला गया है, जिस पर जिला प्रशासन और श्रम अधिकारी खामोश हैं। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री हिमाचल को भी इस बारे में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर छुड़ौल स्थान पर स्लाइडिंग के साथ आए पत्थरों की चपेट में आने से एक ट्रक चालक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर से PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। ट्रक चालक की पहचान रामपाल पुत्र कृष्णलाल निवासी जैजवी खेड़ी तहसील गुमारवी जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। रामपाल की दाई टांग और पीठ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह जब बारिश लगी थी तो उस दौरान रामपाल अपने ट्रक नंबर HP 62A6857 को लेकर बिलासपुर से स्वरगढ़ की तरफ जा रहा था। छुड़ो स्थान पर हाईवे पर पत्थर गिरे हुए थे और वह ट्रक खड़ा करके सड़क से पत्थरों को हटा रहा था कि इतने में डंगे से और ज्यादा पत्थर आ गए, जिससे वह पत्थरों की चपेट में आ गया और पत्थरों के साथ सड़क से नीचे चला गया, जिसे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने कड़ी मुश्किल से पत्थरों और मलबे से बाहर निकाला तथा निजी वाहन की सहायता से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश से इस स्थान पर स्लाइडिंग होने से काफी तबाही हुई थी और कई वाहन स्लाइडिंग की चपेट में आने से मलबे के साथ खाई में चले गए थे, तो 2 दिन तक NH बंद रहा था। सोलन सिरमौर की सीमा पर बसे यशवंत नगर में पुलिस चौकी खुलने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। काफी समय से सेन से लेकर सोलन तक किसी भी तरह की पुलिस सहायता न होने के चलते कई तरह के आपराधिक मामलों को भी आसानी से अंजाम दिया जाता था, जिस पर अब पुलिस ने लगाम कस दी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आए दिन शराब की नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों के कारण होने वाले हादसों पर भी पुलिस ने लगाम लगा दी है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि जब से यहाँ पुलिस चौकी खुली है तब से ही यहाँ पुलिस द्वारा रोजाना नाके लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और पूरे इलाके में नशे के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है। वहीं इसी बीच इन सब में अपने सराहनीय कार्य के लिए IEO राकेश ठाकुर की क्षेत्र में काफी सराहना हो रही है। यहाँ तक कि लोग उन्हें सिंगम के नाम से जानने लगे हैं। लोगों का मानना है कि जब से यहाँ IEO राकेश ठाकुर आए हैं तब से गैर कानूनी कार्य करने वाले व ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों में इनका काफी वय हो गया है और जिसके चलते इलाके में काफी शांति है। और पिछले 3 महीनों की बात करें तो यहाँ ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के करीब 3 से 4 लाख रुपयों के चालान भी किए जा चुके हैं, जिसमें न्यायालय का भी पुलिस को काफी सहयोग मिल रहा है। वहीं पुलिस चौकी यशवंत नगर में तैनात IEO राकेश कुमार ने बताया कि जब से यहाँ पर पुलिस चौकी खुली है पुलिस हरदम यहाँ पर गैर कानूनी कार्य रोकने के लिए तैनात रहती है और नशे पर
सबसे ज्यादा लगाम लगाई गई है और जहां पहले इस क्षेत्र में नशे के चलते काफी सड़क हादसे होते थे वो अब ना के बराबर हो गए हैं। वहीं स्थानीय दुकानदार ने बताया कि जब से यहां पुलिस चौकी खुली है लोगों को इसका काफी सहारा हुआ है और हम दिन के अलावा रात तक भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। और राकेश यहाँ काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं जिनका गलत लोगों में काफी खौफ है। वही स्थानीय निवासी ने बताया जब से चौकी खुली है यहाँ रोजाना नाके लगाए जाते हैं जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोग भी सुधरना शुरू हो गए हैं और अब नशे में कोई भी यहाँ गाड़ी नहीं चलाता है जिसके चलते सड़क हादसों में भी कमी आई है।